वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी पर मां संतोषी की कृपा बनी रहे। आइए श्रवण करते हैं, जानते हैं माता संतोषी की पूजा में इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। पूजा करते समय अगर ये गलती आप नहीं करेंगे तो आप पर मां ज़रूर प्रसन्न होंगी, क्योंकि वो भगवती हैं। वो तो वरदान देने के लिए, सुख देने के लिए ही बैठी हैं, बस हमारा भाव ही प्रधान है। तो चलिए जानते हैं संतोषी माता के मंदिर में पूजा के समय ना करें ये गलतियाँ। सबसे पहले तो आपको पूजा में जाना है तो पवित्रता के साथ जाना चाहिए। शुक्रवार के दिन या किसी भी दिन मंदिर में, अपने घर के या और बाहर अगर मंदिर जा रहे हैं तो वहाँ भी सबसे पहले पहली सीढ़ी को या अपने घर के मंदिर के चौखट को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि वो माँ की चौखट है, माँ का द्वार है, माँ के वहाँ चरण पड़ते हैं। इसलिए माँ के प्रथम सीढ़ी को, चौखट को जरूर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही साथ जब लौटें पूजा करने के बाद तो माँ की तरफ या पूजा घर की तरफ पीठ करके वापस ना आएं। ये होता है किसी को पीठ दिखा देना, ये माँ का अपमान होता है। तथा जूता चप्पल अपने मंदिर के सामने ना निकालें। इसके साथ साथ मंदिर में जब प्रवेश करें तो जरूर माँ का नाम लेते हुए जाएं तथा तेज आवाज में वहाँ पर ना बोलें। पूजा पूर्ण जब हो जाती है तब घंटी बजाकर मंदिर से नहीं वापस आना चाहिए। मंदिर में जाते समय घंटा बजाना चाहिए, लेकिन लौटते समय घंटा नहीं बजाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार मंदिर में घंटा बजाने का कारण है कि उससे नाद ब्रह्म का स्वर निकलता है। जब आरती हो जाए, भोग लगाएं, तब घंटी ज़रूर बजाना चाहिए। घंटी इसलिए बजाई जाती है क्योंकि उस समय भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ के पंखों से आवाज़ निकलती है, वेद ध्वनि का वो पाठ करते हैं। तो इससे देवी देवता हमारे द्वारा लगाए गए भोग को ग्रहण करते हैं। शुक्रवार के दिन संतोषी माता को प्रसन्न करने के लिए आए अतिथि और गौ माता पिता आदि का सम्मान जरूर करें। अतिथि के रूप में भी देवी देवता हमारे घर में प्रवेश करते हैं तथा माता पिता के रूप में प्रथम माता पिता ही हमारे देव हैं। गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, उसका भी निरादर ना करें। घर में क्लेश निंदा आदि ना मचाएं जब व्रत हो तो। उस दिन कम से कम आप मौन धारण करें। वैसे क्लेश मचाने से देवी देवता उस घर से चले जाते हैं। तथा इस दिन व्रत के दिन तुलसी पर जल चढ़ाएं और शाम के समय दीपक जलाएं। अपने मुख्य द्वार पर भी एक दीपक देवी के सामने जलाकर रख दें। खट्टी चीज़ों का सेवन ना स्वयं करें और ना किसी और को खिलाएं। तथा रहने का स्थान पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। आहार विहार विचार इन सभी को सात्विक रखें, तभी हमारा मन भगवती में लग पाएगा। केवल भोजन ना करने से व्रत पूर्ण नहीं हो जाता है,
भोजन ना करने के साथ साथ बहुत सी ये बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए शुक्रवार के व्रत में, तथा अन्य व्रतों में भी ये सारे नियम कुछ लागू होते हैं। तथा माता संतोषी का प्रिय भोग गुड़ और चना है, इसका भोग लगाएं और दंडवत प्रणाम करें। दंडवत प्रणाम करने का अर्थ होता है मन वाणी कर्म से और संपूर्ण शरीर से देवी को प्रणाम। एक बार ही सही जयकारा लगाएं जरूर, तथा वहां पर उपस्थित देवी देवताओं में भेद ना करें, उनकी भी पूजा करें, उनकी भी आरती करें। सबसे पहले गणेश की पूजा करनी चाहिए, ऐसा शिव पुराण में बताया गया है। नहीं तो कोई भी पूजा पाठ जब तक अनुष्ठान वो निर्विघ्न पूर्ण नहीं होता, कोई ना कोई भेद अवश्य ही आ जाता है, क्योंकि माता पार्वती भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया है और सभी देवताओं ने कि सभी देवताओं में अग्रगण्य अध्यक्ष होंगे गणपति, जो इनकी पूजा किए बिना यदि किसी भी देवी देवता की पूजा करेगा तो फिर उसको निर्विघ्न पूर्वक उसका जीवन नहीं होगा, कोई ना कोई विघ्न आता ही रहेगा। साथ ही साथ आरती करने की बात करें, आरती कपूर की ही करनी चाहिए। कपूर से आरती जब करें तो उसमें एक लौंग डाल दें, इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा चली जाएगी और जो सात्विक ऊर्जा है, सकारात्मक ऊर्जा है, वो आपके घर में प्रवेश करेगी, वास्तु दोष भी इससे दूर होगा। तथा जब तक कथा हो तब तक घी का दीपक जला देना चाहिए। घी का दीपक तब तक नहीं बुझना चाहिए जब तक कि आपकी कथा पूर्ण ना हो जाए। प्रसाद स्वयं अकेले नहीं खाना चाहिए, प्रसाद माता का पहले भोग लगाएं और भोग तुरंत लगाकर नहीं हटा लेना चाहिए। कम से कम 5 मिनट, 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय जरूर देना चाहिए। जैसे हमें भोजन में थोड़ी देरी लगती है, ऐसे ही माँ भोग लगाती हैं, ग्रहण करती हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ समय लगता है। साथ ही साथ जब प्रसाद किसी के द्वारा लें या दें तो श्रद्धापूर्वक दें। लेने वाले को प्रसाद आदि को सिर झुकाकर लेना चाहिए, तथा प्रसाद का फूल वहाँ के और सामग्री जो माँ की पूजा में चढ़ी हुई है, उन चीज़ों को इस जगह पे नहीं फेंकना चाहिए जहाँ पर लोग जूता चप्पल पहन के आए थूके और वहाँ पर अपवित्रता के साथ व्यवहार करें। इस जगह पे माँ के चढ़ाए फूल आदि नहीं फेंकने चाहिए। कलश में जो रखा हुआ जल है उस जल को तुलसी पीपल में डाल देना चाहिए, तथा थोड़ा सा जल देवी माता का नाम लेते हुए पूरे घर में छिड़काव भी करना चाहिए। जब तक आपका संकल्प व्रत का फल ना मिले तब तक, जब तक आप उद्यापन ना कर दें तब तक अपने संकल्प को, संकल्प माने कि जिस कार्य के लिए आपने व्रत रखा है उस संकल्प को किसी को ना बताइए। तथा भगवान को तिलक आदि लगाने में अनामिका उंगली माने कि सबसे छोटी उंगली के बगल वाली उंगली को अनामिका कहा जाता है, उस उंगली से ही तिलक आदि लगाना चाहिए। इस दिन श्रद्धा से, भक्ति से, भाव से माँ की आराधना पूजा करना चाहिए। जितना हो सके अधिक से अधिक सत्कर्म करना चाहिए, झूठ कपट निंदा आदि से बचना चाहिए, परिक्रमा अवश्य ही करना चाहिए। देवी की परिक्रमा 4 बार होती है,
और अगर आपके घर में मंदिर में परिक्रमा की जगह नहीं है तो जहाँ खड़े हैं वहीं आपको घूम जाना चाहिए और फिर माँ के स्वरूप को प्रणाम करते हुए बाहर आना चाहिए। इस मंत्र का अंत में ज़रूर बोलना चाहिए, पाठ करना चाहिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल प्रेस करें। माता संतोषी, प्रभु आप पर कृपा करें। सभी देवी देवता प्रसन्न हों, सभी ग्रह शांत हों, आपका परिवार बढ़े, शांति हो, सुख हो घर में, समृद्धि हो, दसों दिशाएं आपका मंगल करें। इसी शुभकामना के साथ जय माता दी।